Now we are going to deal with the isobars. Isobars mainly two parts hai. Pehla iso means the same. Second bars is obtained from Greek word boros, which means weight. Now what does same weight mean? Let us consider example here. Carbon 614, nitrogen 714. What about mass numbers here? Mass number denoted by capital A. Atomic number denoted by capital Z. Bottom में जो लिखा atomic number लिखा, top में जो लिखेगा mass number. अब यहां मास नंबर कितना है 14, नाइट्रोजन कितना है 14, मींस दोनों का मास नंबर इज सेम. एटॉमिक नंबर यहां 6, यहां 7, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, तो एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6, यहां 7 है, प्रोटॉन्स 7, प्रोटॉन्स की संख्या भी डिफरेंट है. देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस z कितना रहेगा 8, a माइनस z 14 माइनस 7 कितना रहेगा 7. न्यूट्रॉन्स की भी संख्या डिफरेंट है. तो इन दो एटम्स में हमें क्या दिख रहा है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट्स सेम या डिफरेंट रहेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट रहेंगे. देयरफॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स कैसे रहेगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स. तो आइसोबार्स में क्या सेम रहेगा, मास नंबर. क्या डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी. ठीक है, अब यहां सेम वेट का मतलब क्या होता है, तो यहां मास नंबर 14 है, दोनों का सेम है, इसलिए मास दोनों का भी सेम रहता है, ऐसा कंसीडर किया गया है. देयरफॉर सेम वेट और आइसोबार्स.